वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज जो है मैं सातवां रोज़ा है रमज़ान का और मैं आज जो है पहला व्लॉग बना रही हूँ इस रमज़ान का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और थोड़ा मसरूफ़ भी थी, तो जिस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। अभी जो है वो देख सकते हैं कि साढ़े तीन होने वाले हैं, 3:21 हुए हैं और मैं जो है वो पूरी रात नहीं सोई। अभी जो है मम्मा जो है किचन में सहरी बना रही हैं, अभी हल्की की नींद आ रही है, मैं अभी सोऊंगी नहीं क्योंकि अब सहरी के बाद फिर कुरान सबक पढ़ना है, फिर उसके बाद नमाज, उसके बाद जा कहीं जा के सोएंगे। तो ये ले इसको भी, छोटों को भी देखिए, छोटों को चुकू ले लो बड़ों को उठाना पड़ता है शहरी के लिए, और यहाँ पे छोटे जो हमारे घर में खुद ब खुद उठे हुए हैं। चलो तो चले मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ मम्मा जो शहरी बनाती हैं, बाकी सब भी सारी सामारी जा रहे हैं यहाँ पे बना रही हैं। ये बन गया है खाना, बन गया है। ये है चने और चिकन का सालन, ये पराठे, चाय वो बन गई है, जैम और बटर बन रहती है, शहरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। मम्मा अस्सलाम वालेकुम कर दें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग की खैरियत से होगी, रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, तो मौसम आजकल अच्छा है कराची का, इतनी गर्मी नहीं है और पता नहीं चलता। हाँ, बाहर बंदा जाए तो ख़रीदारी के लिए फिर तो थकावट हो ही जाती है बंदे की। तो चलें जी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप। हमारे घर का ये छोटा जो है, ये भी हमसे पहले, ये बड़ों से पहले उठा हुआ था और अभी ये भाग रहा है। जी कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि रमज़ान में जो है आपकी नींद तो एटलीस्ट नहीं होती पूरी, क्योंकि आपको इबादत के लिए होना पड़ता। तो अभी जो है मैं सोची हूँ, बाकी सब भी जो है मेरे नमाज़ पढ़ के पापा और भाई भी आ चुके हैं मस्जिद से, वो भी सोने के लिए हो गए, बाकी सब भी सो चुके हैं, तो मैं भी अब जाकर रेस्ट करती हूँ, फिर आपसे पूरे दिन में जो बाकी रूटीन होती है फिर मैं आपको। 2000 years later Ooh. Mm-hmm.
वेलकम बैक। अभी जो है अफ्तारी का टाइम मतलब होने वाला है, तो किचन में मैं आई हूँ सब फ्रूट वगैरह कट करवाने के लिए मम्मा के साथ। तो अभी जो है मैं फ्रूट कट करती हूँ, असर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि जोहर की नमाज़ के बाद मैं सो गई थी, फिर असर की नमाज़ पढ़ी और अब मैं ये जो है फ्रूट वगैरह कट कर रही हूँ। मम्मा वहाँ पर अफ्तारी के बाकी पकौड़े वगैरह दही बल्ले जो हैं वो बना रही हैं। तो चलें आप लोग बताएगा कि कौन ज्यादा शौक से मतलब आप लोगों में तब। अरे कहना क्या चाहते हो? उनसे खाते हैं सारे। चीनी में मैंने मिक्स कर दिया, अब इसमें टाइम डालने लगे। A few moments later. करते हैं उसके बाद फिर जो है नमाज पढ़नी है मगरिब की, तो उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जो बाकी अगर कुछ हुआ मतलब पॉप के ले गए वो, तो उसके बाद आपसे मिलते हैं, अभी अफ्तारी करते हैं। ठीक है, तो जी ये हो गया अफ्तारी का टाइम हो गया। तो आप देख सकते हो मैं ब्लॉग अभी बंद करी थी, अफ्तारी करें तो कह रहा मेरा फेस भी लेके आ जाए। तो चले जी थोड़ी देर तक मिलते हैं, हमें अफ्तारी कर लें। Oh,
later. जी तो मैंने जैसे आपको कहा था अफ्तारी के बाद जाना था कज़िन के पास, उनकी जो है वो बेबी हुई हैं उन्हें देखने के लिए, वहाँ देखने गए थे। तो अभी वापस आए हम लोग, अब जो है घर जाके बाकी आपको दिखाते हैं अभी रास्ते में। तो चलें बाकी घर जाके आपसे जो भी होता है, अभी पहले से ऐशा की नमाज़ पढ़नी है क्योंकि वहाँ चले गए थे नमाज़ की नहीं हो सकी, अभी जाके नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद चलें फिर मिलते हैं। तो अभी जैसे नमाज कुरान वगैरह ऐशा की पढ़ने के बाद अभी जो किचन में है आए हैं, बच्चों को अभी भूख लग रही है हल्की हल्की, तो ये भाई के बन रहे हैं, ये मेरे रखे हुए हैं, अभी ये बनाऊंगी। और उसके बाद जो है बस आज का व्लॉग इतना ही था। ये अभी रमज़ान का मेरा पहला व्लॉग है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैंने जब से रमज़ान स्टार्ट हुए थे नहीं बना सकी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद थोड़ा सा मसरूफ़ थी काम में तो टाइम नहीं मिला व्लॉग वगैरह बनाने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा और आगे का आपको कैसे ब्लॉग चाहिए कि आए चैलेंजेस आप बता सकते हैं मुझे ब्लॉग के लिए। तो चले इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़।